पर इन सारी सिचुएशन से भी एक सिचुएशन सबसे बुरी थी, तीसरा ड्रॉप था और आखिरी ड्रॉप था। एंड इनफैक्ट ये भी कह दिया था कि इस बार तुझे प्राइवेट करा देंगे। आई सुप्रिया डिसाइड, आई एम फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट और आज इस कहानी में हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आखिरी के महीने के आखिरी के कुछ दिनों के ओवर कॉन्फिडेंस ने मेड मी क्लियर नीट। अब मैं कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ, क्योंकि यार वाजिब था, कुछ दिन नीट के बचे थे और मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं, पूरी की पूरी ऐसी कई यूनिट्स थी जो मुझे नहीं आती थी और मैंने छुई भी नहीं थी। जो चीज़ें मैंने साल भर पढ़ रखी थी वो मैंने रिवाइज नहीं कर रखी थी, लाइक उस टाइम जब सर ने पढ़ाया था उस टाइम क्लास में अच्छे से पढ़ लिया लेकिन कभी उसे रिवाइज करने का ही मौका नहीं मिला है। एंड पूरा सिलेबस इकट्ठा हो गया है और मुझे लग रहा है कि हाँ कभी ना कभी पढ़ा होगा, पिछले ड्रॉप में पढ़ा होगा, लेकिन सब कुछ भी सिंक्रोनाइज्ड नहीं है कि आज मेरा कोई मॉक टेस्ट ले तो मैं 300 क्रॉस कर ही नहीं पाऊँ। ऐसे सिचुएशन हो गई थी। पर इन सारी सिचुएशन से भी एक सिचुएशन सबसे बुरी थी कि ये मेरा तीसरा ड्रॉप था और आखिरी ड्रॉप था। पहले ड्रॉप में ठीक चलता है, मैंने नहीं भी पढ़ा था, सेकेंड ड्रॉप में चलता है, बट इस बार ये था कि इसके आगे कोई ड्रॉप नहीं ले सकती मैं। आई हैव टू थिंक ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम, कम्प्लीटली डिफरेंट जॉब्स। हाँ होते होंगे बहुत सारे ऑप्शंस लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता है कि और ऑप्शंस क्या है मेरे लिए। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। एंड रिश्तेदार, पड़ोसी, खैर उनकी आज हम बात नहीं करने वाले हैं, वो सबके ही लगे हुए होते हैं, उनके ताने आ रहे हैं। एंड मेरे खुद के मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, पूरी फैमिली सपोर्टिव थी लेकिन परेशान थे कि यार इसका क्या होगा, ये क्या करेगी। एंड इनफैक्ट ये भी कह दिया था कि इस बार तुझे प्राइवेट करा देंगे। अब प्राइवेट कुछ लाख रुपए में नहीं होती है, लाइक करोड़ रुपए लगते हैं। एंड आई नो, हम लोग जानते हैं हमारे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इतने एक बच्चे पे लगा दिए तो पूरे घर की अर्थव्यवस्था पलट जाएगी। तो यार इस बार ऐसी चीज थी कि डू एंड डाई जो बोलते हैं वो हो रहा था मेरे साथ में, कि इस बार नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा और मैं ही कर सकती हूँ। मेरी जगह मम्मी एग्जाम देने नहीं जा सकती, मेरे टीचर नहीं जा सकते एग्जाम देने, इस बार अगर कोई स्टेप उठाना है तो मैं ही उठाऊंगी। तो चलो देखते हैं मैंने क्या किया, कैसे अजीब एंड डेयरिंग स्टेप्स मैंने लिए, लेट्स सी। तो सिचुएशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, बस माइंडसेट बनाया कि इस बार ना कोई अगली बार नहीं है, जो है इसी बार है, जितना पढ़ना है जितनी जी जान लगा देनी है इन्हीं 30 दिनों में लगानी है। अब लेना है हमको एक पेपर, उसमें अगले 30 दिन का डे वाइज अच्छे से प्लान करना है कि इस 5 दिन में मुझे इतना कुछ पढ़ना है, इस 5 दिन में मुझे अगला सिलेबस पढ़ना है और इतना मेरे को, मैं चाहती हूँ कि एक रिविजन हो जाए जाने से पहले, जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर है एक शेड्यूल बनाओ और उसे दीवार पे चिपका डालो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब मैं बताती हूँ कि दिमाग से कैसे खेला, इस प्यारे से ब्रेन से कैसे खेला मैंने, क्योंकि मन ही मन उदास तो था कि नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने उठाई सबसे पहले बायो। अब बायो ना हम इतने होते हैं कि ड्रॉप्स में कभी ना कभी अपन ने बढ़िया से पढ़ रखी होती है, बस उसको एक साथ समेटनी होती है। मैं बैठी 3 से 4 दिन के लिए और बस मतलब 18-19 घंटे पढ़ पढ़ के मैंने बायो निपटा दी। अब 4 दिन मेरे पास, शुरू के 4 दिन बाद ही मेरे पास ये था कि 50% सिलेबस तो हो चुका है तेरा, इट्स नाउट जस्ट रेस्ट 50, लाइक मेरा आधा बोझ उतर गया है, मैंने नीट का आधा सिलेबस कर लिया है। सो इट वॉज अ बिग रिलीफ फॉर मी। ये आप सबके लिए मैं मैंडेटरी कर देती हूँ कि अगर लो फील हो रहा है फटाफट बायो कर डालो, 50% बोझ उड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी डेयरिंग स्टेप्स बताने वाली हूँ जो मैंने उठाई एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी क्रैक नीट। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद अ ब्यूटिफुल बुक बाय ओसवाल्ड। एंड इसके अंदर आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन द अपडेटेड सिलेबस। एंड उससे पहले मेरी फेवरेट चीज इज माइंड मैप्स, बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों के माइंड मैप्स आपको मिलेंगे। लेट मी शो यू, लाइक पूरे एक पेज में यू हैव कंप्लीट चैप्टर इलैबोरेटेड। तो मॉक टेस्ट देने से पहले फटाफट वहीं से रिवाइज कर लो और उसके बाद में हेयर पूरी आंसर की मिलेगी, सॉल्यूशन मिलेगा एंड हेयर इज योर पेपर्स। सो डोंट फॉरगेट टू बाय दिस बुक एंड बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाने हैं सबको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड यस लेट्स डू इट, बायो हो गई लेकिन असली जान कहाँ निकलती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को पढ़ने में, दैट्स द एक्चुअल गेम। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक से स्टार्ट किया, पूरी नोटबुक सर ने जो पढ़ाया था अच्छे से पढ़ी एंड एनसीईआरटी, प्लीज डोंट फॉरगेट एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड उसके बाद मैंने फिजिकल के लिए क्या किया, आई टुक अ शॉर्ट नोटबुक, उसके अंदर मैंने क्या किया सारे फॉर्मूलाज लिख लिए। टीचर की नोटबुक पढ़ी बहुत अच्छी थी, अब मैं अपनी खुद की नोटबुक बना ली कि मैं फटाफट फॉर्मूले रिवाइज कर लूँ, जब भी मुझे कुछ एग्जाम देना हो या कुछ भी हो उस दिन से पहले मैं फटाफट उससे रिवाइज कर पाऊँ। नेक्स्ट इज की
फिजिक्स। अब फिजिक्स में काफी सारे टॉपिक थे जो मैंने पढ़े ही नहीं थे। अब मैंने फटाफट यूट्यूब पे डाला कि सपोज फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने डाला एंड लकीली मेरे को बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल गए जिन्होंने एक घंटे या दो घंटे या तीन घंटे के लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से पढ़ा रखा था कि उसको पढ़ने के अलावा मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बस मैं PYQ मैंने सॉल्व करे एंड मेरा चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो गया था कि मेरे को कुछ ऐसे नहीं था, शंका नहीं थी कि क्या यार मैंने कम पढ़ा है। सो आई लिंक ऑल दोज टीचर्स, मैं नाम लिख दूंगी सर्च करके दोबारा से कि किन किन से मैंने पढ़ा था। अब बताती हूँ एक्चुअल डेयरिंग स्टेप जो मैंने करा। मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ट्यूशन ज्वाइन करा था लास्ट के एक महीने में। यस, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक बहुत ही बेकार थी, काफी ज्यादा बेकार थी। मुझे ऐसा था कि मुझे उसमें से सिंपल क्वेश्चन आ गया तो नहीं आएगा, एंड मेरे को फिजिक्स में भी कितने सारी यूनिट्स ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वरदान फॉर मी। एक्चुअल वरदान, यही परफेक्ट वर्ड है। मतलब बहुत डेयरिंग स्टेप थी कि इस टाइम नई कोचिंग, नई ट्यूशन ज्वाइन करिए, बट मेरे को श्योर था कि मेरे को नहीं आता है, नहीं ज्वाइन करी तो वैसे भी मैं फेल होने वाली हूँ, तो प्लीज मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। आई डिड दैट, एंड उसमें क्या होता था, मेरा एक घंटे फिजिक्स होता था शाम को, एक घंटे केमिस्ट्री होता था, ऑफलाइन कोचिंग थी, ट्यूशन था, एंड वहाँ पे मेरा साइमल्टेनियसली जो मैं पढ़ रही हूँ दिन में चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो रही थी। सो माई बिगेस्ट डेयरिंग स्टेप इज that I joined a offline coaching in the last 1 month क्योंकि मुझे physics chemistry नहीं आ रही थी। अब again a काफी odd step जो मैंने लिया was not to give mock test, coaching नहीं जाना था मुझे mock test देने के लिए, क्योंकि सब दे रहे थे, सबके अच्छे marks आ रहे थे, and I was feeling कि मैं face नहीं कर सकती, मैं demotivate हो जाऊंगी, stress out हो जाऊंगी। मम्मी पापा को मनाया कि मेरे वैसे भी marks, मैं क्या practice करूँ, मुझे OMR भरनी आती है, मुझे सब आता है, पर मैं क्या practice करूँ, अगर मुझे सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं होगा तो नहीं फर्क पड़ेगा किसी भी चीज का। मैंने कैसे भी मनाया, मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करती थी, चैप्टर वाइज सॉल्व करने लगी मैं, बट मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। मेरा बस बताने का, इन सब चीजों का बताने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें किसी चीज को करने के लिए कह रहा है कि शायद यार ये कर, और तुम्हें विश्वास है कि ये करने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नंबर बन जाएगा, तो डू इट, गो फॉर इट। आई डिड मेनी ऑड थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ दिन के लिए अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, फ्रेंड्स के नंबर ब्लॉक कर दो, क्योंकि यार स्ट्रेस होता है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी कि यार उसका तो इतना हो गया, मतलब जो तुम्हारा अच्छा खासा चल रहा था सब बर्बाद। अब तुम्हारा ब्रेन को तुमने इतना मुश्किल से राजी किया था कि तू कर पाएगी, लेकिन किसी एक ने आके दो मिनट में उसे बर्बाद कर दी। सो प्लीज डोंट टॉक टू देम, बातें होती रहेंगी बाद में, बहुत सारी बातें कर लेना, ठीक है। अब जब भी मैं ये वाली बात बताती हूँ ना कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तो मेरे फ्रेंड्स भी सेम चीज करना चाहते हैं कि हाँ उसने भी नहीं किया था, अपन भी ऐसे करते हैं। इट्स जस्ट अ फैक्टर जो मैं बता रही हूँ कि मैं प्रैक्टिस कर रही थी रूम पे, आई वॉज सॉल्विंग चैप्टर वाइज, कैसे भी यूनिट वाइज, पर मैं सॉल्व कर रही थी, PYQ सॉल्व कर रही थी, वीडियो सॉल्यूशंस देख रही थी। सो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, वही पढ़ाई है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से इसकी कीप थिंग्स फ्लेक्सीबल। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे इस स्टेप से करने से तुम्हारी एकदम काया पलट हो सकती है तुम्हारी पढ़ाई की, सो गो फॉर इट, मेरा ओवरऑल मतलब यही है। और एक बात ना मैंने अपने पिछले ड्रॉप्स में ही सीख ली थी कि इंसान ना एग्जाम देने से पहले ही हार मान चुका होता है। किसी भी एग्जाम में फेल हुए होगे तो जरूर रिलेट कर पाओगे कि मम्मी पापा सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस बार तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अपन को मनी मन पता है कि यार नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ना, लाइक वो नहीं करना है इस बार, लड़ना यार आखिरी का एक महीना है, कोई बात नहीं, जितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है सब ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम एक महीने तो फाइट कर ले, एक साल नहीं पढ़ पाए ठीक है हो गई गलती, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं अपन सबके लिए, खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए, कि एक महीने बहुत अच्छे से जी जान लग के पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, एंड उसके बाद में अगर नहीं होता है सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कम से कम अगले एक महीने you have to give your 100%, 200, 300, whatever you can give, and that's it. I hope you make it this year. All the best. Bye.